मोहब्बत की खातिर सीमा लांघकर आई पाकिस्तानी सीमा की चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि बॉर्डर के उस पार भी सीमा की खूब चर्चा है। पाकिस्तान से सीमा को वापस करने के लिए कई बार भारत पर दबाव डालने की कोशिश भी की जा चुकी है। पाकिस्तान की तरफ से कई बार धमकियां भी आ चुकी है कि भारत सीमा को वापस भेजे, नहीं तो 26/11 जैसा हमला किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान की धमकियों से भारत को कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान से एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी वीडियो क्रिएटर उस जगह पर जाकर लोगों से बातचीत कर रहा है जहां पहले सीमा रहा करती थी। वहां के लोग सीमा को लेकर अजीबोगरीब दावे कर रहे हैं। हालांकि हम ना तो इस वायरल वीडियो की पुष्टि करते हैं और ना ही वीडियो में किए जा रहे लोगों के दावे की। वीडियो में एक शख्स कह रहा है कि सीमा के एक नहीं कई लड़कों से संबंध थे, उसने कईयों को वहां आते देखा था। शख्स कह रहा है कि दुकान वालों के साथ, चिप्स वाले के साथ, सबके साथ उसका चक्कर था। उसने तो यहां तक कह दिया कि सीमा भारत की एजेंट है। वो कह रहा है कि उसने सीमा को रंगे हाथों पकड़ा है। हालांकि वो जिस मजाकिया अंदाज में सीमा पर टिप्पणी कर रहा है उस हिसाब से उसकी बातों में गंभीरता कम ही नजर आती है। एक शख्स ने तो यहां तक कह दिया कि उसने सचिन को पाकिस्तान में देखा था। अधेड़ उम्र का एक व्यक्ति वीडियो में कह रहा है कि सीमा के 4 बच्चे थे, वो सारा दिन रोड पे घूमती थी, एक मर्तबा उसने सचिन को भी देखा था। हालांकि ये काफी हैरान करने वाला है। वायरल वीडियो में कुछ लोग हैदर के लिए भी हमदर्दी जता रहे हैं। कुछ का कहना है कि सीमा ने हैदर को धोखा दिया, उसका घर बार सब बेच दिया है। लोगों का कहना है कि हैदर सीमा से बहुत प्यार करता था, तभी उसके 4 बच्चे हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हैदर 3.5 सालों से बाहर है और उसका आखिरी बेटा 3 साल का है। पूरे वायरल वीडियो में लोग सीमा के बारे में बताते हुए तफरी लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी खूब वायरल हो रहा है। तो आप इस वायरल वीडियो पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी सुनते रहिए द न्यूज इंडीज, एक अलग नजरिया खबरों का। ये है सीमा का घर जो कि पाकिस्तान में रहती थी लेकिन अब वो रहती हैं इंडिया में। लेकिन वो कोई जासूस नहीं है, उसके शौहर का नाम था हैदर जो कि सऊदी अरबिया में जॉब करता है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी था पाकिस्तान के अंदर। बेटा हट जाओ, अगर तुम लोग ऐसे सीमा का ख्याल करते तो वहीं पर ही होती है आज। उसके पास जाओ, डायरेक्ट उससे इंटरव्यू ले। उसकी तकरीबन 3-4 साल से उसके साथ थी वो। सीमा उसके साथ थी? सीमा का एक लौंडा नहीं है, 50 लौंडे हैं सीमा के। सीमा ने यहाँ पे बॉयफ्रेंड रखे हुए थे? मैंने इस गली में देखा था, एक कोने में बंदों से बात करती रहती थी। क्या बात करती थी? पता नहीं, हमको अभी पता नहीं है, मैं कोने से देख लेता था। पार्किंग वाले से भी ये मिलता था रोज। चिप्स वाले के साथ चक्कर था, दुकान वाले के साथ चक्कर था, सबके साथ चक्कर था। ये इंडिया की एजेंट है, मैंने रंगे हाथों मैंने अपनी आंखों से इसको पकड़ा है इस गली में। दीदी 3 बच्चे 4 बच्चे थे, सारा दिन रोड पे घूमती थी। एक मरतबा ये लड़का हमने यहाँ भी देखा था, एक लड़का ये जो नेपाल में मिली है वो यहाँ भी हमने देखा था एक मरतबा। मतलब सचिन पाकिस्तान आया था? जी जी, यहाँ पे देखा था मैंने एक मरतबा। उस बेचारे का घर बेचा, ज्वेलरी बेची, सब कुछ बेचा, इंडिया वापस चली गई। बस यार नहीं पता। सही नहीं थी मतलब सीमा? मियाँ खुद शोर सिंधी है, हैदर हैदर बलोच है, हिंदे बलोच है, सिंधी है या दो मियाँ। अच्छा, सीमा का किसी और के साथ भी अफेयर था? सीमा का घर कहाँ पर है? सीमा का घर इस गली में था, इस गली में था। रोज बंदे चेंज होते थे उसके घर पे, आते थे रोज उसके घर पे बंदे चेंज होते थे, आते थे। कभी उसके बच्चों को देखो कोई आदमी लेके जा रहा है, कभी बच्चों को देखो दूसरा आदमी लेके जा रहा है। मतलब सीमा के कितने यार थे? सीमा के यार बहुत थे। मुझे नहीं पता था कि इस तरह हो जाएगा, इतनी फेमस हो जाऊंगी। और दिखने में आपको कैसी लगती थी? मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी यार, बहुत अच्छा फिगर था उनका। आपको भी अच्छी लगती? 22 का मैं, वो 25 की कहाँ से होगी, 30 ही होगी। 4 बच्चे हैं उसके, इतनी मोहब्बत उसका हस्बैंड कर रहा था, 4 बच्चे हो गए और कौन सी मोहब्बत ढूंढ रही है। पाकिस्तानी जासूस है? अगर गई है तो पाकिस्तान ने भेजा होगा, बिल्कुल ये बात राइट है। मतलब उस बात से मुकरे हम नहीं मुकरेंगे। मतलब आप उसको फंसा रहे? भले फंसे ना, जब पाकिस्तान की गद्दारी कर रही है तो वहां जाके सुकून क्यों करे। जो सीमा का आखिरी जो बेटा था, सीमा की आखिरी जो औलाद थी, वो कितने साल की थी? ये तकरीबन 1-3 साल का। 3.5 साल से शोहर जो है सीमा का वो पाकिस्तान नहीं आया और 3 साल की सीमा की औलाद हो गई इंडिया में। सचिन सचिन ये आपके पास भी नहीं रुकेगी, ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ, ये आपके पास भी नहीं रुकेगी। ये इंडिया से जाएगी अमेरिका जॉनसन के पास, जहाँ भी जाए, लेकिन इसके पास नहीं रुकेगी और इसका भी मुंह काला करके जाएगी, ये बता देता हूँ।